पहले दो हाथ जोड़कर वंदन करेंगे हम। गुरु सत्ता ये यज्ञ करवाएगी, हम नहीं करवा पाते हैं। यज्ञ वो कर सकते हैं जिसने तप किया हो। इस युग ऋषि ने 24-24 साल तक जव, वो जव कौन सा गाय को खिलाया जाता है, उसमें से निकाला जाता है पौधे से, वो साफ किया जाता है और महामुसीबत से एक रोटी बनती है। ऐसे 24 साल तक एक रोटी जव की और एक गिलास छाछ बिना नमक वाली, 24 साल तक गायत्री महामंत्र का महापुरस्तरण किया, सवा सवा लक्ष के 24 महापुरस्तर, एक साल में सवा लक्ष महामंत्र का जाप किया जाता है ऐसी कठिन साधना के साथ, और कोई भी खोराक नहीं लिया जाता है। 24 साल तक किया उसने, गायत्री को अंदर जागृत किया, बाद में जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरा गायत्री परिवार की रचना की, बहुत साधना की है। और जो साधना करते हैं वही तो यज्ञ करवा सकते हैं, हम तो निमित्त मात्र है, यज्ञ तो ये महापुरुष करवाएंगे और तभी आपका यज्ञ सफल होगा। हाँ, तो दो हाथ जोड़कर पावन प्रेम से गुरु वंदना को नमन वंदन करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदेशाक्षि भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सरस्वती को भी वंदना की जाती है, माँ सरस्वती कहाँ विराजती है, हमारी जिह्वा पर विराजती है, और जिनकी जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजती है उनके घर में शांति ही शांति बनी रहती है। इसलिए कहा गया है वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे खुद भी शीतल हो। बहुत बढ़िया है, इसलिए ये दैनिक कर्म कांड में, दैनिक ये महायज्ञ में माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। हम भी दो हाथ जोड़कर उनकी वंदना करेंगे। लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाद्रिति एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः वेद वेदांग वेदांग विद्यास्थानेभ्य च मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जर त्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवहीन वायु गगनाम्बुविनिर्मितेन भुवहीन वायु गगनाम्बुविनिर्मितेन। व्यास, आज का व्यास गुरु जी रहेंगे, हम उनके निमित्त मात्र सेवक मात्र रहेंगे। जब हम कठपुतली का खेल देखने के लिए जाते हैं, कठपुतली खुद की ओर से कुछ खेल नहीं बता पाती, वो काले धागे काले कपड़े के आगे काले धागे में वो कठपुतली टिंगाई जाती है, उनके पीछे उनका मार्गदर्शक बहुत सही ढंग से उनको नचाता है। वैसे ये व्यास, आज के व्यास हमारे गुरु है, हमारे मार्गदर्शक है, वो जैसी प्रेरणा देंगे हम वैसा यज्ञ करवाएंगे। यज्ञ तो वही करवा सकते हैं जिसने तप किया हो, साधना की हो और आराधना की हो, वही यज्ञ करवा सकते हैं। हम दो हाथ जोड़कर उनको ये जवाबदारी सौंपेंगे कि आज के यज्ञ के व्यास आप हो, आप संचालन करना, हम आपकी कठपुतली बने रहेंगे, आप जैसे भी बताएंगे अंदर से वो हम बताते रहेंगे, ठीक है। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय
व्यास रूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल्य पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीप। साधनादि पवित्रीकरण हम बहुत साधन बाहर से लाए हुए और हमें पता भी नहीं था इस भेट बनने से पहले यहाँ क्या होता था इस भूमि पे। आज हमारा जब वास्तु यज्ञ होने जा रहा है तो आप मन में गायत्री मंत्र बोल के ये पूरी वस्तु पे और पूरा घर गायत्री मंत्र बोल के ये पानी छिड़क दो और भावना करना कि इस अभिमंत्रित मंत्रों की जल से अभिमंत्रित पावन मंत्रों से ये हमारा घर का रोम रोम कण कण पवित्र होता जा रहा है। क्योंकि हम जब वास्तु यज्ञ करने जाते हैं और भगवान को भी पवित्रता पसंद है तो पहले पवित्रता की जाती है। वैसे हमारे एक प्रज्ञा गीत में बताया गया है, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आए भगवान, कैसे आए भगवान, मन का मेल नहीं धोया तो, मन का मेल नहीं धोया तो, कैसे आए भगवान, कैसे आए भगवान। हर कोने कलमठ कसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर को परी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। जब हमारा मन स्वच्छ ना हो, हमारा मन निर्मल ना हो, हमारा आंगन पवित्र ना हो तो उसमें कैसे भगवान आते हैं? भगवान कब आते हैं? वो बहुत बताया गया है। आज आपके घर आराम से यज्ञ करवाएंगे आपको, अगर दिक्कत नहीं है तो हम भी बहुत आराम से करवाएंगे, ठीक है। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आए, निर्मल मन हो तो एक शबरी के घर आए, श्याम शूर की बाह कट कट कर चाक विदुर घर खाए, श्याम शूर की बाह पकड़ कर चाक विदुर घर खाए। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सपने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर सपने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इसलिए हम जब यादि का लिस्ट देते हैं सामग्री का तो उसमें बताते हैं हम कि आप अगर कोई वस्तु मिले ना मिले कोई संकोच मत करना, दुख मत लगाना, आपका भाव जरूरी है, निर्मल मन जरूरी है, वही तो डर है। कोई वस्तु का भगवान भूखा नहीं है, वो हमें सब कुछ देता है, उनको क्या जरूरत है। मगर हमारा जब निर्मल मन होकर हम बैठते हैं तब उनको सारी सुविधा मिल जाती है। ये मेरा बेटा मेरा बच्चा बहुत निर्मल मन से बैठा है, बहुत भाव से बैठा है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। यदि हमने आंगन बुहारा होगा ये मन के मेल को साफ किया होगा। हमने आंगन यदि बुहारा चले आएंगे भगवान, छोड़े आएंगे भगवान। हमने आंगन यदि बुहारा, हमने आंगन यदि बुहारा, चले आएंगे भगवान, छोड़े आएंगे भगवान। मन का मेल यदि सब किया तो, मन का मेल यदि सब किया
आइए आप पूरा आंगन साफ कीजिए, हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, पानी ये फूल के ओर से पानी सब जगह पे डालना, सोचना भाव रखना, बनाए रखना कि ये पवित्र गंगा जल से हमारे घर का रोम रोम रज रज पावन हो रही है, इनका कण कण पावन हो रहा है। इसी इसी तरह से पहले से ये सब सामग्री पे, बाद में सब जगह पे, घर के कोने कोने में खड़ा होकर यहाँ से मंत्र, ओम पुनातीते परिश्रुत गं सोम गं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वतातना, ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनिः मा, ओम यत्ते पवित्रमर्जिषि अग्ने वितत्मन्तरा ब्रह्म तेन पुनातु मा, ओम पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचर्षणैः यत यः पोतास पुनातु मा, ओम उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मा पुनीः विश्वतः, ओम पुनातीते परिश्रुत गं सोम गं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वतातन, ओम पुनन्तु मा देव जनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनिः मा, ओम यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितत्मन्तरा ब्रह्म तेन पुनातु मा, ओम पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोताश पुनातु मा, ओम उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मा पुनिः विश्वस्तः, ओम मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनोहरिः, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हमारा जब भाग्य खुलता है और देवों की ऋषियों की संतों की बहुत बड़ी कृपा होती है मातेश्वरी की, जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें ये गायत्री महायज्ञ का मौका मिलता है। ऐसे ही नहीं, गायत्री महायज्ञ बोल जाया गया है, गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर है, हमारे प्रधान 24 अवतार हुए हैं, अगर 24 प्रधान अवतारों की साधना उपासना आराधना एक साथ करनी हो तो आप जो भी साधना करते हैं उससे पहले 24 गायत्री महामंत्र अवश्य जपे, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता सब आ जाता है। गायत्री महामंत्र की गायत्री शब्द की संधि छुट्टी पाड़ो तो गाय माने प्राण, अत्रि माने रक्षण करना, हमारा प्राणों की जो रक्षा करती है वो गायत्री है। और जब वास्तु यज्ञ में ये करवाया जाता है गायत्री महायज्ञ तो वो तो बहुत बड़ा भाग्य बनता है, आप बहुत सौभाग्यशाली है, माघ मास की पूर्णिमा आपको ये चुनी है वो आप बहुत सौभाग्यशाली है, और आप बहुत सौभाग्यशाली है इतना बड़ा दिन आपको मिला है, और आपके पर आज ऋषि चेतना दैवी चेतना पुष्प वृष्टि कर रही है, आप आंखें बंद करके बैठना, आप भाव बनाए रखना, आज देवी मातेश्वरी माँ परमेश्वरी जगदम्बा सर्व पितृव सत्यनारायण देव जी पे बहुत आज खुश है, आपके पर पुष्प वृष्टि करते हैं आपके सौभाग्य का बखान करते करते हुए। ओम भद्रम कर्णे श्रेणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष वीर्य जत्रा स्थिरैरंगै सुष्टुवां सस्तनु व्यसेर्महि देवहितं यदायुः। अब आप बाएं हाथ में थोड़ा जल लेना
और दाहिने हाथ से ढक लिया जाए। मंत्र के बाद हम इस पावन अभिमंत्रित जल से अंदर से बाहर से चारों ओर से पवित्र बनते जा रहे, ऐसी भावना करने की। हाँ, जब मंत्र पूरा हो तब पूरे शरीर पे छिड़क देना, आप भी कर सकते हैं पास में बैठ के, और ये सब सामूहिक पवित्रीकरण भी इस मंत्र के साथ कर देंगे। हाँ, मंत्र पूरा होने के बाद पूरा शरीर पर छिड़क लिया जाए। हाँ, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वयोवस्थांगतो पिवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। हम अंदर से बाहर से पवित्र होते जा रहे हैं, ऐसी भावना से पवित्रीकरण किया, क्योंकि दैवी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य को भी देवत्व धारण करना होता है। इसकी जितना भाव बनाए रखेंगे उतना हमारा देवत्व जागृत होता जा रहा है। हम और मन वचन कर्म की अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन कराया जाता है, किया जाता है। तो इस 3 बार आचमन करें मंत्र पूरित जल से, तो भाव स्नान करना कि इस अभिमंत्रित जल से हमारी वाणी पवित्र बनी रहेगी, हमारी इस मुंह में कुछ गलत आइटम नहीं जाएगी। वैसे हम तो बहुत पवित्र रहते हैं, मगर ये भौतिकता ऐसी बढ़ी हुई है, हम मांस मटन भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, बीड़ी भी पी लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं। अब तो नहीं, अब तो बहुत सौभाग्यशाली है, कुछ नहीं लेते होंगे, मगर चारों ओर आज यही बहुत बढ़ चुका है। तो हम आज से ऐसा संकल्प के साथ आचमन करेंगे, पहला बार करेंगे तो इस वाणी से हम शुभ बोलेंगे और वाणी को पवित्र बनाए रखेंगे, इस मुंह में गलत चीज़ें नहीं जाने देंगे। दूसरी बार हमारा मन भी पवित्र बनाए रखेंगे, मन चंगा तो कथरोट में गंगा, ऐसा एक सूत्र है हमारा। और तीसरी बार वाणी मन को तो पवित्र बना रखेंगे, हमारा जीवन भी पवित्र बना रखेंगे। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो तन मन से पवित्र है वो बड़ा सौभाग्यवान है, ऐसे हमारे गीतों में कहा गया है। तो 3 बार आचमन से भी कर सकते हैं, बहुत थोड़ा पानी लेने का और होठों को छुए नहीं, ऐसे दूर से जरा पी लेने का 3 बार, ताकि हस्त प्रक्षालन बार बार करना पड़े। हाँ, आचमन से ही पी लो, चम्मच से ही, थोड़ा ऊपर से पी लेना। ओम अमृता पिदर्वसी स्वाहा। दूसरी बार ओम अमृता पिदानमसी स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीमहि श्री सदाम स्वाहा। आप मानसिक रूप से जुड़े रहिए। हाँ, ठीक है, ऐसे कर सकते, वैसे ऐसा नहीं, हम क्रिया करें हम करें न करें, आप भावना परमात्मा को पसंद है, भावना से आप बने रहेंगे ना, तो जितना लाभ इन लोगों को मिला है उतना ही आपको मिलेगा, शायद उससे भी बड़ा भी मिल सकता है, जितना भाव बने। कई कई बार ऐसा होता है कि मुख्य यजमान ने भाव नहीं बनाया रखता है और लोगों ने बनाया रखता है, तो उनका पुण्य और लोग ले जाते हैं, ऐसा भी बनता है कई बार, मगर आप तो सब भाग्यशाली है, बहुत दैवी आत्मा है आपका, आपके परमातेश्वर की गुरु महाराज की दया बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, ऐसी शुभकामना करते हैं। और अब आपको शिखा बंदन करना है, शिखा भारतीय धर्म की ध्वजा है, जो मस्तक रूपी किले के ऊपर हर भारतीय संस्कृति को फहराते रहनी पड़ती है, इस गायत्री का प्रतीक भी माना गया है। मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र है, इसमें देवभाव ही प्रवेश करने पाए, भावना कहे करें कि सांस्कृतिक ध्वजा को धारण करने योग्य प्रखरता तेजस्विता का हमारे अंदर विकास हो रहा है। ये देव मंदिर है, ये मानव जो शरीर है ना, देव मंदिर है, इसमें ही सारे देव विराजे हुए हैं। ये तो हम भावना से करते हैं, मगर मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं हूँ तेरे पास में। इसलिए वो सदैव हमारे अंदर ही विराजता रहता है। हम थोड़े टाइम शांति से अगर सोचें तो ये देह पूरा देवालय है, शिवालय है। हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, यो परमात्मा की शक्ति के रूप में हमारे अंदर विराजते हैं, और इस शक्ति को हम सत्प्रयोजन में यूज करते हैं, लगाते हैं,
तो देवी कृपा हमारे पर बनी रहती है। हाँ, इसलिए जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान रे, इस जीवन में ही प्रगटे थे राम कृष्ण भगवान रे, किन जन्मों के पुण्य फले जो मिली मनुज की काया, इस काया में हमने तुमने कितना वैभव पाया, नहीं निरखा खोजा परखा, हीरा जन्म गवाया भाइयों, हीरा जन्म गवाया। कभी कभी सुबह में 4 बजे उठ के पावन गुरुदेव के साथ 24 महामंत्र बोल के शांत चित्त होके मेडिटेशन करना बहुत बड़ी शक्ति मिलती रहेगी। 24 बार हाँ, अचूक बोलना और आराम से बोलना, ध्यान धर के बोलना, सविता नारायण की दिव्य चिंत किरणें हमारे तन मन को प्रकाशित कर रही है, उज्ज्वलित कर रही है, हमारे आत्म तेज बढ़ा रही है, ऐसा भाव के साथ। मेरे को हिंदी बहुत नहीं आता है, मैं ज्यादा पढ़ा भी यज्ञ है, गुजराती आ जाएगी कोई कोई बीच में, तो आप समझ पाना, भाव से समझ पाएंगे आप। जो भावना का बात कर रहे हैं, दाहिने हाथ में पानी को थोड़ा बहुत और शिखा के स्थान पर संपर्क करें, ये देह देवालय बना रहेगा, शिवालय बना रहेगा, ऐसे भावना करना बस। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। और अब प्राणायाम की विधि आती है सत्कर्म में, प्राणायाम हर दिन करना चाहिए, इसलिए तो वो कहते हैं करो योग रहो निरोग। जो लोग नित्य प्राणायाम में समय निकालते हैं उनको कोई बीमारी नहीं आती। एक बहन जी मेरे पास आए, माइग्रेन की बहुत तकलीफ थी, ऐसा यज्ञ कर रहा था मेरे गांव में, और एक बार आई कि दिनेश भाई आप तो आयुर्वेद का थोड़ा ज्ञान है आपको, तो ये माइग्रेन की मेरे को बहुत 15-20 साल से दिक्कत है, बहुत तकलीफ है, और कई दवा ली मेरे को आराम नहीं होता पाता है, तो आपको यज्ञ में बताए थे कि प्राणायाम करो, ये प्राणायाम हमें सीखना है। और मैंने वैसे 30-40-50 हज़ार दवाखाने में हॉस्पिटल में रुपये डाले हैं, मगर मेरे को आराम नहीं हुआ। मैंने अनुलोम विलोम कपाल भाती की जो प्राइमरी प्राणायाम है वो बताया उनको, बोला कि सुबह में 4 बजे उठकर ये प्राणायाम नित्य करना, सूर्य दिशा में बैठकर भावना के साथ करना, जब आप श्वास लो तो भावना करना कि प्रकृति की दिव्य चेतना, परमात्मा की दिव्य चेतना हमारे अंदर अवतरित हो रही है, हमारा रोम रोम, हमारी अंग अंग, हमारा नस नस पावन होता जा रहा है, और थोड़ी देर रुकना, भावना करना, इस पवित्रता को हम कायमी बनाए रखेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ना, निकालना, बाहर निकालना, जितना टाइम लेते टाइम किया होगा उतने टाइम निकालते हुए करना, निकालते समय ये भावना रखना, मेरी बीपी, डायबिटीज, सारी बीमारियाँ, रोग शोक, दारिद्र्य, दुख सब बाहर जा रहे हैं। और थोड़ी देर तक बाहर रुकना, पहले लेना, अंदर रुकना, बार छोड़ना और बार रुकना। अब भावना करनी है बार छोड़ के कि ऐसी कोई प्रवृत्ति हम नहीं करेंगे, ऐसी कोई वस्तु है इस देह में नहीं आने देंगे, ताकि ये देह बीमारी का घर बने। ऐसा भाव के साथ 3 बार प्राणायाम करना है। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे और आप इस भावना के साथ, पवित्रता के साथ ये प्राणायाम करेंगे। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। बहुत बढ़िया। और अब हमारा प्रत्येक इंद्रियों अंगों में इस मंत्र के प्रभाव से दिव्य प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है। ईश्वरीय चेतना हमारे आवाहन पर वहाँ विराजित होकर अशुभ का प्रवेश रोकेगी और शुभ को क्रियान्वित करेगी। ऐसी प्रखरता प्राप्त करने के लिए न्यास की प्रक्रिया की जाती है। आप इस बाएं हाथ में जल लें थोड़ा, और दाएं हाथ की उंगलियाँ डुबोकर जिस अंग को खोला जाए उस अंग को भावना से हम स्पर्श करेंगे कि हमारा प्रत्येक अंग भावनाशील होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है। ओम वांग में आशेष तो
ओम नरसोर में प्राणोस्तु, दोनों नाक के छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम करणियोर में क्षोत्रमस्तु, ओम बाहवोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम पूर्वो में ओजस्तु, दोनों जांघों को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसन। पृथ्वी पूजन का क्रम किया जाता है। पृथ्वी हमारी आराध्य देवी है। जितना जन्मदाता माँ का हमारे परोपकार है, वो तो जन्मदाता माँ को माँ तो आयुष पूरी होकर भगवान के घर चली जाती है, बाद में हमें कौन संभालता है। ये पृथ्वी माता, ये पृथ्वी माता हमें संदेश देती है, बेटा उदार बनना, विशाल बनना, संकुचित मत बनना, सबके प्रति संभाव रखना। जैसे मैं रहती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ईश्वर ने मात्र हिंसा बनाया, हमें ऊंच नीच का धंधा चलाया। मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान, उसके हिसाब से एक जल पृथ्वी पर चमच डालेंगे और ये पुष्प की कुछ पांदरी आप अबिल गुलाल कुंकुवाली करके, आप सिर्फ पानी, ये जो है पांदरी, ये अबिल गुलाल कुंकुवाली करके यहाँ लगाना। हे पृथ्वी माता, आपको हमारा ख्याल रखना, आपकी उदारता, आप जैसी उदारता हमारे अंदर आए, आप जैसी सहनशीलता आए, आप जैसी विशालता हमारे अंदर आए, और हम भी आप जो विश्व निर्माण के लिए कर रहे हैं, हम भी विश्व निर्माण के लिए जिए। यह विश्व हमारा ही घर हो, उर्मेश ने भावना करके बात मात है, ऐसा रखना। हे पृथ्वी माँ, हम सहनशील बने, उदार बने, विशाल बने। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। अब हर महत्वपूर्ण कर्मकांड के पूर्व संकल्प कराने की पवित्र एक परंपरा है। संकल्प हमारा अगर शुभ हो, शुभ हो तो हर कार्य हमारा शुभ होता जाता। दाहिने हाथ में रखिए, थोड़ा चावल लीजिए और थोड़ा जल डालिए, बिल्कुल थोड़ा। अब मेरे पीछे तीन बार विष्णु 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 ऐसा बोलिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्रेष्ठे द्वारा कल्पे वैवस्वमनुतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यात वर्तैक देशांतर्गते धौड़ेश्वर क्षेत्रे, धौड़ेश्वर है ना ये एरिया, धौड़ेश्वर कुडासन क्षेत्रे मासानाम मासोत्तमे मासे माघ मासे पूर्णिमा शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथिये माघ पूर्णिमा तिथिये वासरे એટલે રવિવાસરે ભાનુવાસરે ગોત્રોત્પન મન કા મન મે ગોત્ર બોલના આપકા શુષ્કા યા કોઈ ગોત્ર અગર ના હે તો ભારદ્વાજ ગોત્ર ગુરુ કા ગોત્ર ભી બોલ સકતે નામા હમ મન મે નામ બોલીએ અબ મેરે પીછે બોલીએ સત પ્રવૃત્તિ હેલો સંવર્ધનાય દુષ્પ્રવૃત્તિ ઉન્મૂલનાય લોક કલ્યાણાય આત્મ કલ્યાણાય વાતાવરણ પરિષ્કારાય ઉજ્જવલ ભવિષ્ય કામના પૂર્તયે ચ પ્રબળ પુરુષાર્થમ કરિષ્યે અસ્મૈ પ્રયોજનાય ચ કલશાદી આવાહિત દેવી દેવતા પૂજન પૂર્વકમ એક કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ વાસ્તુ પૂજનાર્થે કર્મ સંપાદનાર્થમ સંકલ્પમ અહમ કરિષ્યે। યે સાઈડ भाव करें कि हमने यज्ञोपवीत पहन रहे हैं, इस पूजन में यज्ञोपवीत बिना जनेऊ बिना नहीं बैठा जाता, तो भावना करें कि हम हमारी जनेऊ की पूजा करें। इस साइड आप भी ऐसी भावना करें, उंगली लगा के
ओम यज्ञो पवितं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमोच्च शुभ्रं यज्ञो पवितं बलमस्तु तेजः यज्ञो पवितं बलमस्तु तेजः। अब चंदन धारण करेंगे हम, पहले गुरु से कुमकुम से तिलक करें और चावल से अक्षत से भी तिलक करें। आप करें, आप भी खड़े हो जाइए, सारी देव शक्तियों को तिलक करें। हम उस टाइम तक दो मिनट के लिए गुरु वंदना का स्त्रोत बोल के हाँ। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। सब सारे देवी देवताओं को जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ब्रह्मस्वरूपा जय गुरुदेवा विष्णुस्वरूपा जय गुरुदेवा शिवस्वरूपा जय गुरुदेवा सत्यस्वरूपा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा देवा सद्गुरुदेव सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा सत्य स्वरूपा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूप सूर्य स्वरूपा जय गुरुदेवा सर्वदेव आत्मनिर्मलता जय गुरुदेवा आत्मनिर्मलता व्यक्ति निर्मलता जय गुरुदेवा व्यक्ति निर्मलता परिवार निर्मलता जय गुरुदेवा परिवार निर्मलता निर्मलता जय गुरुदेवा समाज निर्मल करता युग निर्मल करता जय गुरुदेवा युग निर्मल करता जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। अब आप है आपके धर्म पत्नी को इस उंगली से तिलक करें, आप उनके नारायण हैं, आप अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और हंसते मुंह करिए, आप दोनों हंसते रहे, माता स्वरूप ऐसी स्थिति सोचती है कि हमारे बच्चे, और बाद में आपके बच्चे को भी तिलक करना है हाँ। और हाँ अनामिका उंगली से पहले इससे और बाद में ये चावल से हाँ। ओम चंदन से महत् पुण्यम पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीश्चतुर् सर्वदा। अंगूठे से कीजिए विजय तिलक ताकि उनकी कहीं भी हार ना हो हाँ? कहीं पीछे न पड़े। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा शिवेरः स्वस्ति न स्ताक्षः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब आपके संतान को भी करिए, उनके पर भी आपका आशीर्वाद बना है। ओम गंधद्वारादर्शापुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहेसियम्। आप दोनों भी ये बंदी आपके आए नारायण तब आप दोनों भी इस तरह से हाँ हाँ वो कुमकुम दे दो उनको। और अब ऐसे पकड़ना है, बांधना नहीं है। पहले हम रक्षा सूत्र गुरु जी को अर्पण करेंगे हाँ, और मातेश्वरी को आप वो मातेश्वरी को करना हाँ, ऐसे पकड़ना बीच की दो उंगली और अंगूठा ऐसे पकड़ के। हम गुजराती में गीत आते हैं
वैसे भी हमारी रक्षा तो वही करता है, ये रक्षा सूत्र है, वो रक्षा करते हैं तब हम हमारी कर पाते हैं। हाँ, सही सही पकड़िए। हम गुजराती में गाते हैं, मारा जीवन रचना सदगुरु ने सारथी सौंपी, गुरु ने हाथ लगा रथ ने हाँ किराया श्री राम, पछी चिंता करो चूका, मारा जीवन रचना सदगुरु ने सारथी ने। हमारे जीवन के रथ के सारथी जो है वो भगवान कृष्ण है, गुरु है, महेश्वर है। हम हमारी ओर से नहीं जी सकते हैं, उनकी शक्ति हमें जीवन देती है, प्रतिक्षण प्रतिक्षण हर श्वास उनकी कृपा से ले पाते हैं। आइए तो उसी के हिसाब से आप गुरु सत्ता को, आप सत्यनारायण भगवान को और आप मातेश्वरी को खड़े होकर ओम व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणम् दक्षिणम् श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते गायत्री मातेश्वरी आपकी रक्षा करेगी, परमपिता परमात्मा करेगा, उनको रक्षा सूत्र अर्पित किया है। अब वो तो करेगा ही, मगर हमें भी एक दूसरे की रक्षा करनी है, तब वो हमारी रक्षा करेगा। हम एक दूसरे से अलग भागेंगे तो नहीं कर पाएगा। तो आपकी धर्म पत्नी के बाएं हाथ में और आप आपके नारायण को दाएं हाथ में वो बांध लें और संकल्प ना ये इस हाथ से मारेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, बहुत आराम से। आपके नारायण को बांधो, ये हमारा नारायण है, पति है, परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है। ये तो नहीं दिखाई पड़ती, ये काम करता है हमारा नहीं करता है वो हमें पता नहीं है, मगर ये काम करता है। हाँ ठीक है ना। क्योंकि ये गायत्री यज्ञ है, गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, यज्ञ माने सत्कर्म, गायत्री माने सद्बुद्धि, सद्बुद्धि पूर्वक किया गया जो कर्म वो सद ये गायत्री यज्ञ है। तो आप आओ, यहाँ कलश भी विराजमान है, आप इनको हाथ में लगाए रखना। ये कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, कलश में सारे देवी देवता लोग एकजुट होकर रहते हैं, हम हमारे परिवार में एकजुट होकर रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखते रहेंगे, ये भावना है। ओम मनोज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगोम समीं ददातु विश्वे देवास इद विश्वे देवास इह मादयन्तामं प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। इसको आप ऐसे उठा के दोनों साइड और मस्तक को स्पर्श करा के पहले लो, बाद में आपके नारायण को, बाद आप आपके सब को दो, और आप भी दोनों साइड लगा के और मस्तक पर लगा के यहाँ रख देने का है। हे कलश देवता, हमारे घर में शांति बनाए रखना, यह हमारा वास्तु पूजन आदि हो रहा है, जो भी यहाँ रेंट से रहने को आए रेंट से उनको शांति मिले ऐसी कृपा करना, ऐसी भावना के साथ। ओम कलस्थ देवता ये नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले तोस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त द्वीपाः सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा शांति पुष्टि करी सदा। दीप कलश के साथ दीपक की भी पूजा वेदी पर की जाती है, दीपक यहाँ रखा गया है, इसे सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक मानकर पूजा करनी चाहिए। वैज्ञानिक भी अब स्वीकारने लगे हैं कि मूलतः चेतना से पदार्थ बना है, पदार्थ से चेतना नहीं। इस महाचेतन ज्योति रूप परमात्मा का पूजन आराधना दीपक के माध्यम से हम करते हैं और शुभ
हर कार्य शुभ कार्य में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। हम भी दीपक का ध्यान धरेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम कि हमें ज्ञान मिलती है, हमारी ज्ञान ज्योति तीव्र होती जा रही है, प्रज्वलित होती जा रही है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। सारी देव शक्तियों को हम आवाहित करेंगे ताकि यहाँ पर आए, और सारी देवी शक्तियाँ मंत्रों के अधीन रहती है। अब जब हम सब भाव से मंत्र बोलते हैं तो पूरी की पूरी देवी चेतना यहाँ उपस्थित होती है। आप बोलेंगे उपस्थित होती है तो हम देख तो नहीं पाते, वो दृष्टि हमें नहीं मिली है, उनको मिली है। आप ऐसा भाव बनाए रखें कि वो आए हुए हैं, हमें देख रहे हैं, और हमारा घर पावन हो रहा है, हमारा ये फ्लैट, हाँ, हमारी भूमि उनकी आधारपण से पावन हो रही है, बहुत सुसंस्कृत हो रही है, ऐसा भाव बनाए रखें। तो हर सर्वप्रथम गुरु चेतना को बुलाया जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े जिनको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद दिया बताए। मेरा छोटा सा परिवार गुरु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री देवी जो है वो गायत्री का हम आवाहन करेंगे। मातेश्वरी का आपकी कुलदेवी है, कौन है कुलदेवी? दुर्गा माता। ठीक है, तो आप मन से उनको बुलाना, जब हम मन से याद करते हैं तो वो आती ही है, भाव से श्रद्धा से। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते भाव।
सुवरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद श्यामातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम श्री गायत्री देव्यै नमः ओम श्री दुर्गा माताये नमः ओम श्री सर्वशक्तिभ्यो नमः ओम श्री सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आइए अब गणेश गौरी का पूजन जब हम करते हैं तो उनको भी आवाहन करें। ओम गणपतये नमो नमः गणपतये नमो नमः गणपतये नमो नमः गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ये फूल इनको दे दो और आप ये वो तिलक करने वाली कहाँ गई कटोरी हाँ वो ले लो और आप दरवाजे पे जो मेन गेट है उसके पर दोनों स्वस्तिक करके श्री गणेश नमः लिखना दोनों साइड हाँ दोनों दीवारों पे दीवारों पे तो सिर्फ स्वस्तिक करना या तो या क्या ना नीचे हाँ नीचे दोनों साइड में स्वस्तिक करना स्वस्तिक बनाना और दरवाजे पे दोनों साइड स्वस्तिक करके बीच में श्री गणेश साइड में और ये जो आपका किचन है उसके पर दोनों साइड स्वस्तिक हाँ श्री गणेश साइड लिखने ओम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया हमें दिक्कत देती है प्रॉब्लम
हमारी गलत आदतों से, ग्रह तो हमारी शुभकामनाएं करते हैं, हमारे पर शुभ ही इच्छते हैं, मगर हम वो ऐसी अंधश्रद्धा में आ जाते हैं। कोई अगर सांप को अगर आप छंछेड़ेंगे नहीं, उनके पर आपको आपका फेर नहीं आएगा, तो वो भी क्रोधित नहीं होगा, तो ये तो कितने दूर बैठे हैं, हाँ वो हमारा क्या खराब करता है, मगर फिर भी उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे, ऐसी भावना के साथ नवग्रह की भी हम यहाँ स्थापन किया है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सचे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शरीराहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांति करा। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ठीक है, अब नवग्रह देवता को भी आह्वान कर दिया। सारे देवी देवता हमारी भावना से यहाँ पधारे हुए हैं। सारी देवी देवताओं का प्रतीक सुपारी है, गौ माता है। सारे देवी देवताओं यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो हम यहाँ उनको जब आए हैं तो नमन वंदन करेंगे। पहले नमन वंदन। ओम सिद्धि बुद्धि सरिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आप बोलिए नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री सत्य नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री वाणी हिरण गर्भाभ्याम नमः। ओम श्री सचिव पुरंदराभ्याम नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम श्री वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम श्री एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री दैवे नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घायुरस्तु। सारे सब वास्तुदेव भी आ गए, गणपति भी आ गए, सत्यनारायण भी आ गए, गायों में 33 करोड़ देवता देवी देवता आ गए। तो अब सारे देवी देवता यहाँ पर, हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम भी ओम वास्तुस्पते प्रतिजानी अस्मान स्वावेशो अनमीवो भवा न यात्वे महम प्रतितन्नो जुषस्व सन्नो भवद्विपदे सम चतुष्पदे। ओम भूर्भुवः स्वः वास्तुपुरुषाय नमः। श्री गणपति दादाय नमः। सर्वेभ्यो देवी देवताओंभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। सर्वेभ्यो स्थान देवताओंभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करो। वास्तुपुरुषः देवेश सर्वविघ्न विदारण शान्तिं पुरं सुखं देहि यज्ञे सिन्मयि सर्वदा यज्ञे सिन्मन् सर्वदा। ओं वास्तुपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। षोडशोपचार पूजन करेंगे हम। क्षेत्रपालान् नमस्यामि सर्वादिष्ट निवारकान् अशादर्श सिद्ध्यर्थं पूज्याराधितान् मया। पंचामृत का है तो पंचामृत का, शुद्धोदक का है तो शुद्धोदक का, और वो एक एक देव को लेके पहुंच के आपको सब देव को इधर बैठाना है, ठीक है, इधर स्थापित करना है, इस फूल से पहुंचना है। हम जब स्नान करते हैं उसी तरह स्नान करवाना है। अब हमारे घर में कोई अतिथि आए तो हम उनका स्वागत सत्कार करते हैं। अगर हम टीवी में बैठे रहे उनके प्रति ध्यान ना दे तो उनको कुछ जरूरत नहीं है, उनको हमारी भावना की जरूरत है। वो कोई अतिथि आता है वो हमारे लिए भोजन के लिए सिर्फ नहीं आता है। तो आपको आप ये महापूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को आपके घर देवाधिदेव त्रिलोक के नाथ सारे देवी देवताएं आए हुए हैं, तो आप जब ये आए हुए हैं
तो उनका हम सरस्वती रूप से पूजन करेंगे, आप भाव बनाए रखें। चलो पाद्यम समर्पयामि, तीनों देवों को पाद्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, समर्पयामि ऐसे बोलते रहो। आचमनम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम, आप लोग हाथ लगाएं, पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। अब वो सुपारी गई गौ माता लेकर, आप पानी सिर के ऊपर हम छोड़े और आप 33 करोड़ देवताओं को नहलाते हैं, आप स्नान करवाते हैं, ऐसे उसको बनाए रखे और आप ये गई माता को हाथ में ले लो, बाद में गणेश जी को। हाँ पहले आप गुजरात के बताइए ना, भड़वे हाथे अंगो चोरी स्नान कराओ श्याम गंगा चढ़ती केसर बोली, स्नान कराओ श्याम स्नान समर्पयामि, शुद्धोदक स्नान समर्पयामि, पहुंच गए से। हाँ पहले स्नान करवाया ना, तो ये वस्त्र वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, गंधं विलेपयामि, तिलकं अक्षतां समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, दीपं दर्शयामि, दीपक के दर्शन करामि, धूपं आग्रयामि, धूप का दर्शन करामि, निवेदं नैवेद्यं निवेदयामि, निवेद्यं निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, दक्षिणा में क्या देंगे, एक पूरा ही देंगे, ठीक है। हाँ उनकी कोई जरूरत नहीं है, भगवान को हमारी पूरा ही दे कि आज से हम 6-5 बजे उठते होंगे, 8 बजे उठते होंगे तो 6 बजे उठेंगे, अगर 10 बजे उठते हैं कई कई लोग को सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए, वो अच्छी आदत ले लो, एक बुराई दे दो, हाँ वो सच्ची दक्षिणा है, वो दक्षिणा हमें फलीभूत होती है। सुबह में जल्दी उठकर हम आपको याद करके दूसरा काम करेंगे, 6 बजे पहले उठ जाएंगे, योगा प्राणायाम से हम हमारा दिनचर्या नियमित बनाएंगे, सात्विक आहार लेंगे, कभी गाली गलौज नहीं करेंगे, अब तो नहीं करते होंगे मगर कई बार ऐसा कई परिवारों में होता है, हाँ ठीक है, वो दक्षिणा में देना है, ठीक है। चलो बोलो, बोले तो सर्वभाव आज से ये देता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए, चलो तभी दक्षिणा मिलनी तभी मिलनी, और नित्य आधा घंटे का सत्साहित्य का वचन भी करेंगे, ठीक है। ओम दक्षिणां समर्पयामि, सर्वभावे अक्षतां समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। अब नमस्कार। ओम नमो स्वमन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आप थोड़ा पुष्प ले लो, हम सृष्टि वाचन के पावन मंत्र बोलेंगे, पीछे भी ले लो, हम सबका शुभ चाहेंगे, किसी का भी अशुभ नहीं चाहेंगे। आज हमारे घर सारे देवी देवता आए हैं, हे परमात्मा हमारी दृष्टि शुभ बने, हमारे विचार शुभ बने, हमारा आचरण शुभ बने, ऐसी आशीर्वाद हमारे पर देना, हमें देना, ठीक है। तो आइए हम स्वस्तिक वाचन का पावन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम गणानां त्वा गणपति गंग हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंग हवामहे, निधिनां त्वा निधिपति गंग हवामहे, वशो मम आहम जानी गर्वधम्मा त्वम जासि गर्वधम्मा। ओम स्वसिनः इन्द्रो वृषभाः, स्वसिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वसिनः सारक्षो हरिष्ठनेमि, स्वसिनो
ओम पयो पृथ्वीन पयो औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो दाः पयस्वतिः प्रति सहसन्तु मह्यम् ओम विष्णोरानमसि विष्णोस्तत्रेष्ठो विष्णोशुरसि विष्णोद्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम अग्ने देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मन्तो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ दौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव ॐ शान्तिः 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 सर्वाष्ट सुख शान्तिर्भवतु। ये भगवान के लिए इसको सिर पे लगा के प्रणाम करके आप यहाँ पर यहाँ पर स्थापित कर दें। अब आप थोड़ा चावल लेके खड़े हो जाए। जब यज्ञ होता है सत्यनारायण की कथा होती है तब यज्ञ में भी हटका डालने के लिए है विघ्न करने के लिए आसुरी शक्तियां होती है। अब उस भावना से थोड़ा ऊपर थोड़ा ये भूमि पे थोड़ा छिड़कना बाद में चारों ओर छिड़कना हमारी ये भूमि पावन बनी रहे। यहाँ आने वाले जो भी रेंट वाला हो वो कुविचार में ना रहे हमारा घर की हमारा इज्जत बढ़ाए हमारे घर का नाम रोशन करे और वो ऐसा मिले हमें रेंट वाला कि हमारी मकान में शांति बहुत बनाए रखे और बहुत अच्छी ढंग से रखे। ये पावन आसुरी शक्ति इस घर पर हावी न हो उसी भावना के हिसाब से। अप्सर पंतु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता ये गच्छन्तु शिवाय अवतारो भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म प्रारम्भे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम अग्निदेव की स्तुति है दो ही मिनट की। ओम यन्मण्डलम् कीर्तिकारम् विशालम्
अग्नि प्रदीप नाम हाथ से पंखा हवा डालो हवा रखो बस ये चार संविधाएं धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप एक एक आपके नारायण को देते रहिए और आपके नारायण पीछे से और आगे से इसे घीवा करके इसमें डाल देगा। ओम यत् ओम अयंत इदमात्मा जातवेदस्तनेत्यस्व वर्धस्व चेत्व वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे अन्नाधेन समेदय सब लोग बोल सकते हैं स्वाहा। दूसरे संविधान ओम संविधा अग्निम दुवश्यत द्रुतै बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्याज होतन स्वाहा। तीसरे संविधान ओम सुसंविधाय सोचिते द्रुतम तीव्रम जुहोतन अग्नय जात वेदसे स्वाहा। अग्नय जात वेदसे दम नमः। चौथी संविधान ओम तं स्वा समित विरंगिरो द्रुतेन वर्धयामसि रोचोचाय वीष्टय स्वाहा। नमग्नयंगिरसेदं नमः। शरीर बल आत्मबल मनोबल और ब्रह्म बल ये चार बल आपको प्राप्त पाने के लिए भगवान की मांगते हैं। साधना स्वाध्याय संयम और सेवा ये चार पुरुषार्थ हमारे जीवन में आचरने चाहिए। अब जल प्रसे चनम इसमें थोड़ा पानी डाल के चम्मच से परिसात्मक हमारा यज्ञ है। कोई जीव जंतु ना आए और कीड़ी मकोड़ी कुछ भी ना आए उसी के हिसाब से चारों ओर थोड़ा थोड़ा पूर्व से चालू करना पानी की धारा करनी है। ये चम्मच से ले लो पहले पूर्व में ओम अदितेनु मन्यस्वैति पूर्वे अभी पश्चिम में ओम अनुमते अनुमन्यस्वैति पश्चिमे ओम सरस्वती अनुमन्यस्वैति उत्तरे ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञ पतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिं वाचं नः स्वदतु आद्याहुति होम। हमारे घर पर सात मेहमान आए हैं। कौन कौन से हैं? प्रजापति देवता है, इंद्र देवता है, अग्नि देवता, सोम देवता, भू देवता, भूव देवता और स्वह देवता। तो इनको हम स्वागत करते हैं। चलिए और तैयार अरे आप हैं ना, इससे घी डालिएगा इसमें सात बार और रिटर्न में इसमें टपका लिखा है एक बूंद, ठीक है। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। अब है ना, आप जो गायत्री मंत्र से आहुति देंगे ओम अपवित्र पवित्रो वह सर्वावस्थांगतो पिवा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं शमायाभ्यन्तरः श्रुतिः ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। तिलक कर दो, आप सबने किया हुआ है, आप बैंड करो इनको तिलक। ओम चंदन श्री महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब जब गायत्री मंत्र हम बोले
सबको सद्बुद्धि मिले, सब प्रगति की ओर चले, सबने सद्बुद्धि मिले, सबन कल्याण थाय, सब उज्ज्वल भविष्य मार्गे आगे बढ़े आवी दिव्य भावना थी आपले आहुति आपसू। गायत्री मंत्र तो आता ही है सबको, तो आप सब हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो इसके हिसाब से दो महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। अब सारे हमारे प्रधान 24 देवी देवता हैं, उनको ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। श्री गणेशाय इदं नमः। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नरसिंहाय इदं नमः। ओम नारायणाय विद्महे शेषशाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। इदं विष्णवे इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। रुद्राय इदं नमः। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीकृष्णाय इदं नमः। ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं राधाय इदं नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। महालक्ष्मी इदं नमः। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा। अग्नि इदं नमः। ओम सहस्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इन्द्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इन्द्राय इदं नमः। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्रे च धीमहि तन्नो मा देवी प्रचोदयात् स्वाहा। देवी माताय इदं नमः। ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो मा दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। मा दुर्गायै इदं नमः। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। मारुत्यै इदं नमः। ओम पृथ्वीदेवी विद्महे सहस्रप्रत्यै धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात् स्वाहा। पृथ्वीदेवी इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। सूर्याय इदं नमः। ओम दशरथपुत्राय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। रामाय
इदम नमम ओम जनक नंदिनी विद्महे भूमि जायित धीमहि तन्नो मा सीता प्रचोदयात् स्वाहा सीता माता इदम नमम ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् स्वाहा चंद्राय इदम नमम ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात् स्वाहा यम देवताय इदम नमम ओम चतुर्मुखाय विद्महे अहंसारुढाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ब्रह्माय इदम नमम ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् स्वाहा इदम वरुणाय इदम नमम ओम नारायणाय विद्महे दोष्याक्षिन धीमहि तन्नो श्रीनारायण प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय इदम नमम ओम वाणीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीव प्रचोदयात् स्वाहा हयग्रीवाय इदम नमम ओम परमहंसाय विद्महे महंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा परमहंसाय इदम नमम ओम तुलस्यै विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् स्वाहा वृंदा इदम नमम ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषत्ताय इदम नमम ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो मा भगवती प्रचोदयात् स्वाहा महाशक्त्यै इदम नमम। अब है खीर की आहुति वासुदेव, बहुत थोड़ी खीर इस पात्र में डालिए, पहले घी डालिए बाद में खीर डालिए। पांच बार आहुति देनी है वासुदेव को, पांचों बार ऐसी रीत से यही ढंग से। ओम वास्तुस्पते प्रतिजानी अस्मान स्वावेशो अनमीवो भवान यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व शन्नो भवद्विपदे शतम शम चतुष्पदे स्वाहा इदं वास्तुस्पते इदं नमम। ओम वास्तुस्पते प्रतरणो न एधि गयस्थानो गोभीरस्ति पिरंदो अजरास्ते सख्ये श्याम पितेव पुत्रान प्रतिनो जुषस्व स्वाहा इदं वास्तुस्पते इदं नमम। तिस्री बार ओम वास्तुस्पते शग्मया संसदा ते सक्षी महिरण्वया गातुमत्या पाहि क्षेम उत्योगं वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा इदं वास्तुस्पते इदं नमम। चौथी ओम महावास्तुस्पते विश्वारूपाण्य विशन सखासु सेवयेदिनः इंद्रो मुनिना सखा स्वाहा। तीन आहुति हमारा जो पितृ नॉर्मल मृत्यु हुआ या आकस्मिक हुआ है, जो भी जैसे और जहाँ भी हो वो इस प्रसाद से तृप्त हो रहे हैं, ऐसी कामना के साथ ये तीन आहुति समस्त पितृ सत्ता को दिवंगत आत्माओं को। आप हम यहाँ रहते नहीं थे, उससे पहले कौन रहते थे, क्या इस भूमि की पोजीशन थी, कौन यहाँ वहाँ मरे हुए हुए, हमें कोई पता नहीं। तो उन सब को पितरों को, सारे पितृ मर जाने के बाद वो पितृ योनि में आ जाते हैं, तो उनको पितृ कहा जाता है। तो हम सब उन पितरों को याद करके, हमारे भी पितृ और यहाँ भी पहले कोई किसी का मृत्यु हो चुका हो, ये पावन भूमि है, सब पितरों की तृप्ति हो उसके लिए। ओम शन्नो मित्र शवरुण शन्नो भवत्यैर्मम शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम दिवंगत मृतात्मन प्रतत्व निवृत्ते शांत्यार्थे स्वाहा इदं पितृ आत्माभ्यो इदं नमः। ओम शन्नो मित्र शवरुण शन्नो भवत्यैर्मम शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम दिवंगत मृतात्मन प्रतत्व निवृत्ते शांत्यार्थे स्वाहा इदं हुतात्मा इदं नमः। ओम शन्नो मित्र शवरुण शन्नो भवत्यैर्मम शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम दिवंगत मृतात्मन प्रतत्व निवृत्ते शांत्यार्थे स्वाहा इदं दिवंगत आत्मा इदं नमः। एक पांच आहुति हमारी जो मातेश्वरी है, माँ कुलदेवी दुर्गा मैया, दुर्गा मैया है ना, हाँ, तो हम हमारी मातेश्वरी को याद करके डालेंगे।
ओम ऐरीम क्लीम चामुंडा विचय स्वाहा दुर्गा माता इदं नमः ओम ऐरीम क्लीम चामुंडा विचय स्वाहा दुर्गा माता इदं नमः ओम ऐरीम क्लीम चामुंडा विचय स्वाहा देवी माता इदं नमः ओम ऐरीम क्लीम चामुंडा विचय स्वाहा दुर्गा माता इदं नमः ओम ऐरीम क्लीम चामुंडा विचय स्वाहा इदं दुर्गा माता इदं नमः देव दक्षिणा पूर्ण। इसमें स्वीट की आहुति दी जाती है, हमारा जीवन भी स्वीटमय बने, मीठा बने, मधुरा बने, घी स्नेह का प्रतीक है। अब वो साइड में रख देना, नहीं तो जलेगा, या तो कुछ वो डंक दो और वहां पर ही रख दो, नहीं तो खाने को काम नहीं आएगा किसी। चलो तो देव दक्षिणा पूर्णाहुति जारे चाले छे। ओम यदस्य कर्मणो त्वरी रिचम यद्वा न्यूनम निहाकरम अग्निष्ठत स्विष्ट कृत्य विद्यात् सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते सुहूतौते सर्वप्रायचिता हुतिना कामाना समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। अग्नये स्विष्ट कृते इदं नमः देव दक्षिणा पूर्णाहुति। अब थोड़ा घी लेकर ये श्रीफल उसके पर रखे, सारे लोग खड़े हो जाए, बोलिए गायत्री मात की जय, कुल देवी मात की जय, सत्य नारायण भगवान की जय, क्षेत्रपाल दादानी जय, कुल देवी मात की जय, वास्तुदेव भगवान की जय। आइए दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जान्तो स्वास्थ्य स्मृता मति मतीव शुभम दारिद्र्य दुख भय हरिणि कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादरी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विसिराव इकमुद्वंग स्वतंत्रतो वसुधारा बोला जाते दादा। ओम वसु पवित्रमसी सतदारं वसुः पवित्रमसी सहस्रदारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण सतदारेण सुत्वा कामदुक्षः स्वाहा। प्रसाद है ना, वो प्रसाद पैकेट खुला रखो, उसमें तुलसी पत्ता रखो। बोली गायत्री मात की जय, दुर्गा मात की जय। ॐ यं ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथा च विश्वोद्भवे कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः शुकोन्वन्ति दैवै तवै वैलै दिवडा जगमग जगमग साय दिवडा।
बड़ा जग मग जग मग कर पदे पदे। अब फूल है, इस फूल से देव देवताओं हाथ थी जमना थी राइट हाथ थी राइट हेड से सारे देवी देवताओं को चारों दिशा में अर्थ देने। ओम देवाभिवंदनम ओम देवाभिवंदनम ओम स्तुता मया वरदा वेदम घूमो चारों दयांतां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणम प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। वो फूल इसमें रख दो, फूल दे दो मैं। और अब बहन जी को थाली दे दो आरती वाले, हम सब हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, भावना करेंगे मातेश्वर की यज्ञ की दिव्य ज्योति हमारे हथेली में आ रही है, ऐसी भावना के साथ आरती लेंगे हम। ओम श्रद्धा मेधाम यश प्रज्ञा विद्या पुष्टिम श्रियम बलम तेज आयुष्य आरोग्यम देहि मे हव्यवाहनम् ओम भूर्भुवः श्वः तत्सवितुर्वारेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस लगाइए, भावना करें मातेश्वरी की, माँ जगदम्बा की, यज्ञ नारायण की, भगवान वास्तु नारायण की दिव्य चेतना हमारे अंदर आ रही है। इसमें जो पानी चिपकाया है ना, घी चिपकाया है ना, वो सारे लोग ले लो बीच की उंगली में और हाथ में मिक्स करके ऐसे लगाओ। ये अच्छा ब्यूटी पार्लर का क्रीम है जो 1,00,000 रुपये किलो भी नहीं मिलता है। ब्यूटी पार्लर का क्रीम तो कभी हैरान भी कर देता है, कोई आउट ऑफ डेट का आ जाता है। ये आउट ऑफ डेट का नहीं है ये। हाँ, वो लगा हुआ और हम मंत्र बोलने के बाद पूरे चेहरे पे लगा देना। ओम तनु पाग्ने से तनु में पाही, ओम आयुर्दा आग्ने से आयुर् में देही, ओम वर्चोदा आग्ने से वर्चो में देही, ओम अग्ने यन में तन्वन अन्न आप्रण, ओम मेधा में देव सविता दधातु, मेधा में देवी सरस्वतिया दधातु, ओम मेधा में अश्विनौ देवादताम पुष्कर सुगो। चेहरे पे लगाओ, जहीं पर दुखता हो, कहीं पर घुटन दुखता हो, कमर दुखती हो, खवा दुखता हो, जहां पर दुख तू लगा भी सको छो आओ। हाँ, ये है बस जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय और ऐसा निकालो प्यार कर लो श्री राम से। मृत्यु ही सत्य है मत बन अनजान, जीवन ऐसा जी की अस्था चले शमशान। ये बस जय श्री राम। हाँ, आ भस्म कहे छे के जी वो मृत्यु नो जरा विचार करो, कर्मो सारा करता करता ईश्वर ने कायम याद करो, छे एक घड़ी आवे एवी आ देह अचेतन थावानो, पर वस्थई ने शांत बनिए चार खबे उचकावानो, ए भस्म बनी उड़ी जावानो, ए नश्वरता नो विचार करो, आ यज्ञ नारायण ने भस्म तमने ने मने कहे छे। आ भस्म कहे छे के जी वो मृत्यु नो जरा विचार करो। गुरुदेव के बेटा यज्ञ करावा जाने खाली स्वाह स्वाह करीने नहीं आओगे, आने कई प्रेरणा आपी आओगे। गुजराती समझो छो, थोड़ा गुजराती बोलो, अत्यार सुधी हिंदी बोलवानो प्रयत्न करो मने आवड़ी रे। हां, जैसे हमें आई ऐसी बोली तो आ साहेब आप भस्म कहे छे के जारे तमे सर्व सवारे वेला उठो ने, आज लोग बीजी बहु थी गया छे, चलो यज्ञ में नहीं आप जाओ मैं बीजी। जब भी बोलते चलो यहाँ सत्कार्य हो रहा है, शांति पाठ हो रहा है, गायत्री यज्ञ गायत्री पाठ हो रहा है, नहीं नहीं आप जाओ मैं बहुत बिजी हूँ। भगवान बोलता है तू है बिजी तो मैं हूँ नहीं इजी, और जो जाऊंगा खीजी तो लोई जाएगा थीजी। ऐसी बात है, थोड़ा टाइम निकालो परमार्थ कार्य के लिए, और ओके हित जो मैंने पहले बोला ना, और ओके हित लिए जो जीता है, और ओके हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। हमारे लिए तो हम जीते हैं, कुछ औरों के लिए दुखी मानवता पीड़ित
तोड़ के लिए हम जिए वही जीवन सार्थक है। ये यज्ञ बोलता है, यज्ञ की भस्म हमें बताती है। यज्ञ की भस्म कहे कि कदाच वधु समय न मरेंगे तो चिंता नहीं करता। खबर है गुरुदेव ने खबर थी कि आ भौतिकता में लोग बधा भूली जाशे भगवान ने भगवान, पण एने कहजो कि घणो टाइम न मळे ने तो फक्त बे टाइम, सवारे ज्यारे तमे उठो त्यारे पथारी में जे पोजिशन में उठ्या छो शांत चित्ते बेसजो, श्वास की गति ने जोजो। प्रत्येक श्वास प्रभुनी प्रसादी छे, प्रत्येक श्वास प्रभुनी प्रसादी छे, आम मानी अने श्वासनी तरफ दृष्टि करजो। बधा ज विचारों शांत करी देजो, मन ने शांत करी देजो अने थोड़ी वार पछी परमात्मा ने थैंक यू कहजो। हे परमात्मा, तारी कृपा थी उठी सक्यो छूं, ते उठाड्यो त्यारे उठी सक्यो छूं, आजे ते उठाड्यो ए बदल खूब खूब आभार मानजो। आज मारो नवो जन्म थयो, आज मारो बर्थडे छे, આજનો દિવસ હું હંમેશા સત્કર્મ કરીશ, માતેશ્વરીને ગમે હું દિવસ, મમ્મી પપ્પાને ગમે હું જીવીશ, તને આપે આલિંગન ભગવાન એવું જીવન તું જીવજે યુવા। આજના જ દિવસની જિંદગી મળી છે, આજને જે સુધારે છે ને કાલેની ઓટોમેટિક સુધરી જાય છે। હમ વર્તમાન કા સોચે, ભવિષ્ય કા ન સોચે, ભૂતકાલ મેં રાચે નહીં, વર્તમાન કો સુધારને કા પ્રયત્ન કરે। ઓર દિન કી શરૂઆત કરો માતેશ્વર કો યાદ કરકે, હે માં તારી કૃપાથી ઉઠી શક્યો, તારી દયાથી ઉઠી શક્યો, તે ઉઠાડ્યો ત્યારે ઉઠી શક્યો, થોડુંક ચિંતન કરવાનું, મને કીડી મકોડા કૂતરા ગધેડાની યોની નથી આપી, મને માનવની યોની આપી છે, નરમાંથી નારાયણ થવા માટે આપી છે, હું પ્રયત્ન કરીશ નરમાંથી નારાયણ થવાનો, તું મને સહયોગ આપજે। અને દૈવી વિચારોમાં કલાક કલાકે માતેશ્વરીને યાદ કરતા રહો, રાતે સુવા જાઓ ત્યારે ફરી પાછા 5 મિનિટ માટે, વધુ સમય ન મળે તો કોઈ વાંધો નથી, 5 મિનિટ માટે બધી જ મનની એકાગ્રતાને ભેગી કરી બધા જ વિચારોને શાંત કરી દો। શ્વાસની આવાગમન ગતિ સામે જુઓ, પ્રત્યેક શ્વાસ મારા પ્રભુની કૃપાથી લઈ રહ્યો છું, મારી મા જગદંબાની કૃપાથી લઈ રહ્યો છું, હવે બધું જ ટેન્શન માતેશ્વરીને સોંપી દો। આ મારું, મારી પત્ની મારી પત્ની નથી, તારી દીકરી છે, મારા બાળકો મારા બાળકો નથી, તારા બાળકો છે, હે માં એને તું સંભાળજે। મારાથી દિવસ દરમિયાન કોઈને કંઈ કહેવાઈ ગયું હોય, કોઈને દુઃખ લાગે, હું બોલાઈ ગયું હોય, કોઈની સામે ગલત વ્યવહાર થઈ ગયો હોય, હે માં મને માફ કરજે, હું તારા શરણમાં આવું છું। આ યજ્ઞ નારાયણના દર્શન કરતાં કરતાં, મા જગદંબાના દર્શન કરતાં કરતાં બસ મારું અહીંયા સ્મૃતિ પૂરી થઈ ગઈ છે। હા અચ્યુતમ કેશવમ, માના દર્શન કરીને આમાં યજ્ઞાગ્નિમાં આહુતિ કરી નાખો, બસ હું ખ્યાલ ખતમ, નવા દિવસે નવો દાવ, બરાબર ને, દરરોજ સવારે નવો જન્મ, રાત્રે મૃત્યુ, આમ માનીને ચાલશું, પાપથી બચી શકાશે, સારું જીવન જીવી શકાશે અને ભગવાનને ગમે એવું જીવન જીવી શકાશે। આ યજ્ઞ નારાયણની ભસ્મ આપણાને એ જ કહે છે, આ ભસ્મ હવે લગાવો, જ્યાં કહીએ ત્યાં લગાવો જો। ॐ तरायुषं जमदग्ने किललाटे, ॐ कश्यपश्यत्रायुष्मिति ग्रीवायाम्, ॐ यद्दिवेशुत्रायुष्मिति दक्षिण बाहुमूले, ક્ષમા પ્રાર્થના કરીશું, કુછ ભી હમારી ગલતી હો ચુકી હો, હે માતેશ્વરી હમે ક્ષમા કરના, હમ કોઈ પંડિતજી નહીં હૈ, હમ કોઈ બ્રાહ્મણ નહીં હૈ, હમ તો આપકે હૈ ઓર આપકા બન કે યહ યજ્ઞ કરવાને કા પ્રયત્ન કિયા હૈ, કોશિશ કી હૈ, આપને જૈસા ભી વિચાર દિયા ઉસકે હિસાબ સે યહ યજ્ઞ કરવાયા હૈ, કદાચ કોઈ પણ ભૂલ ચૂક થઈ ગઈ હો હમને ક્ષમા કરજો। ઓમ આવાહનમ ન જાનામિ नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे परिपूर्ण तदस्तु मे। एक बार और फिर से नमस्कार। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। शुभकामना करेंगे, सबका हित हो, सबका मंगल हो, ऐसी भावना के साथ भाइयों लोग दोनों हाथ पसारेंगे, बहनों उसका पालन पसार। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीमहिष गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्य आरोग्यं देहि मेह व्यवाहनम्। देहि मेह व्यवाहनम्। बैठ जाइए सब। और अब मंत्र पुष्पांजलि का समय आ चुका है। पूर्णाहुति की ओर हम जा रहे हैं। सब लोग हाथ में ये पुष्प लेकर हमको नहीं परमात्मा को थोड़ी बहुत दक्षिणा देनी देंगे ना। दक्षिणा ऐसी दे, दक्षिणा का नाम बोलते हैं तो सब लोग देख देते हैं कि क्या हुआ है। क्यों फेंके नहीं पैसा बदल ले लो थोड़ा थोड़ा। यज्ञ मां मारा गुरुदेव ने इच्छा छे के कंईक एवी दक्षिणा आपीए, एकादी बुराई आपजो तमारी अंदर जे होय ते मने खबर नथी शू। बराबर, आप तो सौ सज्जन लोको छो, कोई मेळा मोड़ा उठता होय तो मोड़ा ई वेला उठवानुं व्रत ले, जमीने एठू मुकता होय तो एठू नहीं छोड़वानुं व्रत ले, जूठा नहीं छोड़ना खाने के बाद। और गाली गलोच करते हो तो नहीं करना, माते पिता को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करना, इनका आशीर्वाद बना रहे। सच्चे देवी देवता ये है, ठीक है। प्रणाम करते हैं अभी नहीं करते है? रोज नहीं, रोज नहीं, आज से रोज करने का है, ठीक है। हर रोज खाते हैं इसलिए हर रोज प्रणाम करना चाहिए। हाँ, और यही तो जागृत देव है हमारे लिए। ये तो मूर्ति में बैठे हैं, हमें पता नहीं हमारा भला करता है नहीं करता है, मगर ये तो आपकी बहुत शुभकामनाएं करते हैं। कभी आप दुखी हो जाते हैं ना तो ये तो मेरे को पता नहीं है, मिटाते नहीं मिटाते दुख, मगर ये इनको चैन नहीं रहता है। तुम जब बीमार हो जाते हो ना तो इनको चैन नहीं पड़ता है, ये सारा रात दिन एक करके आपको अच्छा करता है। तो ये सच्चा देवता है, तो इनको हर दिन प्रणाम करना है, एक दिन भी मत भूलना। कहीं बाहर गए हो तो मानसिक रूप से मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, मुझे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण है, ये उमा महेश है, ये कुलदेवी, ये कुलदेवता का रूप है, सच्चा स्वरूप। बराबर, तो इनकी पूजा करनी चाहिए। तो आइए, क्या गया था दादा? पुष्पांजलि, मंत्र पुष्पांजलि में पहलो नियम मैं तुमने बताया, हर दिन सुबह में उठ के जो आपकी कुलदेवी है मातेश्वरी उनको याद करके उठना। आज का दिन ही जन्म मिला है, आज का दिन के लिए ही मिला है, आज के दिन के लिए मैं किसी से गलत व्यवहार नहीं करूँगा। वही तो सत्यनारायण की सच्ची कथा है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा, गलत बोलूँगा नहीं, गलत चालूंगा नहीं, गलत खाऊंगा नहीं। हाँ, दूसरा नियम, हर दिन माँ कुलदेवी को इसको प्रणाम करना। तीसरा नियम, धरती माता को हर दिन वंदन करना है। धरती माँ तेरे जैसा सहनशील बनूं, उदार बनूं, विशाल बनूं। चौथा नियम, हर दिन एक लोटा सूर्यनारायण को जल चढ़ाना। बराबर, सूर्यनारायण की हिसाब, सूर्यनारायण जागरूक देव है, दूसरे ये यज्ञ नारायण और सूर्यनारायण, ये दो प्रत्यक्ष देव है, हमें बहुत लाभ देते हैं। दूसरे देव तो सारे फोटो पे है, हमें पता नहीं प्रत्यक्ष लाभ मिलता है नहीं मिलता है, मगर इनका लाभ और ये सूर्यनारायण का लाभ हर दिन मिलता है। उनके हिसाब से बारिश आती है, उनके हिसाब से भोजन मिलता है, खेती में होता है सारी की सारी। और सूर्यनारायण का अगर आप सानिध्य लेंगे 10 मिनट के लिए तो आपकी सारी बीमारियाँ खत्म हो जाए, सारी बीमारियाँ। सूर्य विज्ञान की पुस्तिका बहुत गुरुदेव ने बढ़िया लिखी है, सूर्य स्नान हर दिन करना चाहिए, सारी बीमारी मिटाता है। तो सूर्यनारायण को जल। और चौथा नियम बहन जी, आप जब रसोई पकाते हैं बनाते हैं तब फिल्मी गीत गाते गाते मत बनाना, टीवी सीरियल देखते देखते मत बनाना। और टीवी सीरियल देखते खाना भी नहीं। और कई लोग तो वो क्या भोजन बनाते हैं और गाते हैं, नहीं वो गलत चीज है। मगर आप जब रसोई बनाओ ओम भूर पकाते हो हर टाइम।
रोटी नमक बिना नमक वाली, उनका चूर्ण थोड़ा घी डालने का, थोड़ा गुड़ डालने का, सब मिक्स करके पांच गोटी बना के गैस के ऊपर, ऐसा कोई पतला वाला पात्र तो शक्तिपीठ में मिलता भी है तांबे का, ऐसा ट्रंप का मिलता है, हाँ ऐसा तांबे का मिलता भी है डिश वाला, वो गैस के ऊपर रख के गैस चालू करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गायत्री नमः, ऐसे पांच मंत्र बोल के अगर हर दिन यज्ञ करते हैं, हर दिन आपका यज्ञ होता है। और यज्ञ से क्या होता है, ये अग्नि में जो भी डालते हैं अग्नि खुद के पास नहीं रखती है कुछ, वो पूरा वायुमंडल में बिखेर जाती है। ये यज्ञ गुरु यज्ञ से माध्यम से परमात्मा कहते हैं आपको जो भी प्रतिभा मिली, जो भी क्षमता मिली, आपके टच में जो भी आए आप उनको आपके जैसा बना दो, सरल बना दो, निर्मल बना दो। अग्नि के पास जो बैठते हैं उनको ताप मिलता है कि नहीं मिलता है, गर्मी मिलती है कि नहीं मिलती है, ठंडक के बर्फ के पास जो भी बैठता है, फ्रिज के पास खुलता है तो ठंडक मिलती है कि नहीं मिलती है। हमारे पास जो भी आए वो देवतुल्य बन जाए, वो सच्चा आदमी बन जाए, ये गुरुदेव की मनोकामना है, ऐसी अपेक्षा है। वो धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है, है स्वर्ग यदि ऊपर तो इसको इस ऊपर लाना है। और हम हमारा सदाचरण से सत्य व्यवहार से ही हम स्वर्ग को ला सकते हैं, बुरे कर्म से नहीं ला सकते, बुरे खुराक से नहीं जाते से। और पांचवा नियम, पांच बार खिला के कोई वाले नहीं बनना, पांच बार खिला के यज्ञ नारायण को, वो पांच बार खिला के बाद में वो जो भी प्रसाद बचा हो सारे लोगों को घर के जब भोजन दे उनके साथ प्रसाद देना, बेना बेटा ये प्रसाद है, प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात, द माने दर्शन करते हुए खाना, प्रभु को साक्षात याद करके तीन या पांच बार गायत्री मंत्र बोल के खाना, उनको प्रसाद बोला जाता है, बराबर समझ गए। और लास्ट नियम, हर दिन हम वीडियो में टीवी में बहुत राजते हैं, अच्छा विचारों में नहीं राजते हैं। गुरुदेव बोला पांचवा नियम यह है कि मेरा 10 मिनट का सद साहित्य का वाचन करना। गुरुदेव ने जो 3200 साहित्य लिखा है, 3200 पुस्तकें लिखी है, दो हाथ से लिखते हैं, उसमें हमारी सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है। और ये तो वेद की वाणी है, वेद परमात्मा की अमर वाणी है, इसमें सारे श्रुति रामायण भागवत गीता सारे शास्त्र आ जाते हैं। तो हर दिन, और ये वेद का वाचन है, ये तो हिंदी में भी मिलता है, इस श्लोक का उच्चारण करिएगा और सब लोगों को साथ बिठा कर घर सभा में प्रार्थना करके आप भोजन करेंगे, आपका घर में सतयुग आएगा, सारी प्रॉब्लम मिट जाएगी। तो ये पुस्तक हमारे चाचा को तो मैं वंदन करता हूँ, यह ऐसा नमूना है, ऐसा नमूना कि बुढ़ापे में जीवन संवार रहा है, हर घर में साइकिल से जाता है, बाईसाइकिल से, पैदल नहीं, पैदल से चला के साइकिल से, भाई आपका सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा इस साहित्य से, आपका सारा प्रॉब्लम सारी शंकाएं खत्म हो जाएगी। आप तांत्रिक कोष के पास जा रहे हैं, भुआ भोपाल के पास, उसके पास समाधान नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लमों का समाधान वेदों में है। तो आप इसका स्वाध्याय करें, आपको घर में सतयुग लाना है ना, ये साहित्य लाएगा और हर दिन पढ़ो आप। मेरा इसका विचार हर दिन 1.5 लाख लोगों तक पहुंचता है, हर दिन पढ़ने नया विचार आपको आता है मैसेज, मैं बंद हो नहीं, मैं अब आएगा, मैंने सेंड किया, ऑर्डर चेंज हुआ ना उसके बाद, हाँ बराबर। तो हर दिन आपको ये मिलता रहता है। और इनका दादा तो ये नुकसानी में बेचता है, 100 रुपये में आता है, 50 में बेचता है, ये नफा का है ना, ये इसलिए मैं नमूना बोला, ये संवार रहा है जीवन धारा को, जीवन दिशा को। और जितना काम बढ़िया करता है दिनेश भाई, अब जहीं भी जहां भी जाओ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम देने, यज्ञ करवाने सत्यनारायण, मुझे लेके जाना, क्योंकि मैं आता हूँ, आप बोलते तो मेरा साहित्य बहुत बिकता है और लोगों के घर में बहुत सारा सतयुग आता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। नहीं सही बात है, ये सच्चा यज्ञ है, ये जीवन जीना सिखाता है, बाकी पंडित लोग करवाते हैं सब सबकी मनोभावना से श्रद्धा से, वो जीवन यज्ञ नहीं सिखाता है साहब, इसमें जीवन प्रेरणा पड़ी। इसमें आप अगर 500 ग्राम घी की आहुति दी तो 15 स्क्वायर मीटर का वातु 15,000 स्क्वायर मीटर का वातावरण का शुद्धिकरण होता है, घर का तो होता है मगर इस पूरा घोड़ेश्वर एरिया का, कूड़ासन पूरा का एरिया का शुद्धिकरण हो जाता है, ये वैज्ञानिक कारण है।
बहुत बड़ा यज्ञ है ये, इसलिए नवचंडी यज्ञ सिंह भी महायज्ञ बताया गया है। तो साहित्य गुरुदेव ये अखंड ज्योति का लगा जमा कर सकते हैं पर्दे मात्र हर महीना तो ना आती हो अगर किसी को तो लवाजम भर देना, आपका सारे प्रॉब्लम। ये एक भी जाहिरात नहीं है इसमें, एक भी जाहिरात नहीं है, और पूरा वाचन इसका युग साहित्य युग की इच्छा से लिखा गया है, पूरा का पूरा युग का समाधान है इसमें, हमारा परिवार का नहीं, हमारा समाज का नहीं, पूरा युग का समाधान इस साहित्य में है। तो मैं सोचता हूँ कि आप एक दो भाई लवाजम लिखाना और ये भी लेके जाना, एक गायत्री मंत्र की लेखन बुक है वो भी हर दिन एक एक पत्ता भेजना लिखना, और बहुत लिखने से तीन कार्य होता है, मन वचन कर्म से हम परो के लिख सकते हैं, माला में तो मन कहीं चला जाता है कहीं ना कहीं, मगर जब लिखेंगे तो मन वचन कर्म तीनों काम करेगा, ये ऐसी बुक है। तो मैं सोचता हूँ कि आपके पर महेश्वरी की गुरुदेव की कृपा बनी रहे, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा बनी रहे, ये साहित्य आप यज्ञ के बाद ले जाना। अब मंत्र पुष्पांजलि का श्लोक हम यहाँ से बोलते हैं, बाद में सारे पुष्प सर पर लगा के उनको दे दो। ॐ यज्ञेमय समय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन सेहनाक महिमानस चन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मस्तक पे लगा के इसमें डाल दो, बाद में सारे फूल यहाँ रख दो भाई अपने। हाँ, तो अब अभिसिंचन हमारा ये कार्यक्रम पूर्णाहुति की ओर जा रहा है, तो अभिसिंचन आप ये अभिमंत्रित जल से करेंगे, पूरे घर में हमारे पर तो सही मगर पूरे घर में छिड़क देना, और बाद में सूर्य नारायण को चढ़ा देना। अब छिड़क दो। ओम ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे धी। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुख शांति भवतु। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशु यद् भद्रं तन्न आशु। ओम शांति 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 सामा शांति रेधि। इसमें से थोड़ा सा सूर्य को चलाना। ओम सर्व मंगल मंगल है, इसलिए सूर्य नारायण के सामने नीचे एक पात्र रख दो ऐसा है तो। हाँ, या तो जरा सूर्यनारायण की ओर देख के सूर्यनारायण को जल से डाल। ओम सूर्यदेव सहस्त्रासो ओम सूर्यदेव सहस्त्रासो तेजो राशि गणपते अनुपम परिमाण भक्त्या द्रोहणार्घ्य दिवाकर द्रोहणार्घ्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की। जब जहाँ पर भी यज्ञ होता है वो भूमि देवभूमि बन जाती है, तीर्थ भूमि बन जाती है। आज से ये मकान आपका तीर्थ भूमि बन चुका है, यज्ञ भूमि हो चुका है। आप ऐसे ही रेंट वाले को देना जो यहाँ गलत काम ना करे। किराया रेंट थोड़ा कम मिले तो कोई दिक्कत नहीं, मगर ये जुआखाना न बनाए, ये शराबालय न बनाए, ऐसी ख्याल रख के आपको, ताकि वास्तु पूजन का अर्थ यही तो है। इधर अब ये भूमि तीर्थ भूमि हुई है, आप बहुत सौभाग्यशाली है, माघ पूर्णिमा का ये अवसर मिला है, तो आप अब ये तीर्थ भूमि हुई है तो चारों ओर देवताओं को नमन करते हुए परिक्रमा करेंगे बैठे बैठे। ओम यानी कानी तो पापानी ज्ञात ज्ञात कृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायाम पदे पदे प्रदक्षिणायाम पदे पदे। दो मिनट के लिए यज्ञ की हम स्तुति करके जय घोष करके। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे वे मल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रुदाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मन सारे शोक सागर से तरे,
पर रहे प्रभु पाप के सब पर रहे यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल की दिया छोड़ते में छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए। आओ थोड़ा चापल मेलवास में आप सारे देव देवता आते थे हमारे घर को आज मंगलमय बनाया शुभ बनाया हमारी अंतः चेतना जागृत की हमें सत्प्रवृत्तियों की ओर प्रेरणा की दिशा बताई तो आज भगवान को बोले आपका खूब खूब शुक्रिया। अब आप आए हमारा घर को दिव्यमान बनाया सुगंधित बनाया सद विचारों से हरा भरा बनाया तो आप हमारा कार्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है आप स्वस्थाने पे जा सकते हैं और हम भी हमारे काम करें आपको जभी जभी याद करें तभी तभी आते रहना ऐसी अच्छी विचारधाराएं देते रहना इस हिसाब से विसर्जन मंत्र किया जाता है। ओम गच्छ त्वं भगवन् अग्ने स्वस्थाने कुंड मध्य उत्तमादाय देवेभ्य शीघ्र देहि प्रसिद्ध में गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर ईरद देवा तत्र गच्छ उदासन यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकिं इष्टकाम समृद्धं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। अब आपका राइट हैंड मजबूत हो तो युग निर्माण के लिए हमें जय घोष में साथ देना है मेरे को नहीं एक युग ऋषि को जिसने संकल्प लिया है युग का निर्माण कर ऐसी जय घोष बोलो गायत्री माता की बोलो यज्ञ नारायण देव की बोलो जय 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 सफल हो हमारी युग निर्माण योजना सफल हो